लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जॉनी फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था। 3 साल पहले जब यहाँ आया था तो बहुत शरारती था। इस एरिया का लोकल फुटबॉल हीरो बन गया। मेरी टूटी हुई शादी बुलाकर मुझे जीना सिखाया। बहुत असादा था मुझे, बहुत। एक मोटरबाइक एक्सीडेंट में उसने अपने दोनों पैर खो दिए। पूरा 1 साल लगा मुझे उसे हंसता हुआ देखने के लिए। अभी बाकी है कुछ कड़वाहट। चल छोड़ यार, मैंने पूछा नहीं तुझसे, तो करती क्या है? मैं क्या? नाचती हूँ। भरतनाट्यम या डांस बार में? नहीं रे, फिल्मों में नाचती हूँ। सच? मेरी बहुत जल्दी है वहाँ पे, मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ। Really? तू आना कभी मेरे सेट पर। ओके। मरिया तेरा फोन बज रहा है इतनी रात। रॉन्ग नंबर है। ओ, तुझे कैसे पता? रोज रात को बजता है फोन, उठाओ तो कोई बात कर रहा होता है। क्रॉस कनेक्शन बॉम्बे में आम बात है। क्या बोलती है, उठा के रख दूं? I love you, Dilkus baby. छोड़ ना जमसू, तेरे प्यार का क्या मैं अचार डालूंगी। और हाँ, ये बेबी बेबी का राग किसी और को देना। क्या माल है तो बात कर, समझा क्या? मेरे को मालूम है तुम ऐसा काय को बोलता है। आए सेट्टी के लिए नहीं। देख, उसने मुझे काम दिया, माल दिया, इसलिए मैं उस टकले को झेल रही हूँ। तूने मुझे क्या दिया? अरे Dilkus डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। तेरी लाश का क्या मैं भर्ता बनाऊंगी? लाश? अरे जान देगा तो लाश ही बचेगी ना। अवे रवादेनी, यू टेल मी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तू क्या घंटा देगा मुझे? अरे Dilkus डार्लिंग, मैं तेरे लिए बंगला बांधूंगा और टाइटल रखूंगा Dilkus मेनोर। कहाँ, धारावी में? नहीं नहीं, मलबारिल में। चल फोन रख, और भी फंटर है लाइन में। क्या कमाल की लव स्टोरी है यार। यू हैव अ मैजिक फोन। मैं तुम्हें मलबार हिल में गल खालिद के दूंगा। मरियम, मुझे ऐसा फोन क्यों नहीं करता कोई? बहुत क्रॉस कनेक्शन लगता है, बिल्कुल हिंदी सिनेमा की तरह। ये 100% उसी का फोन है, देखें। Dilkus, मेरे पास पैसा है। अच्छा? बहुत पैसा है मेरे पास। 300 तो तेरे लिए बहुत होगा, इतना तो मैं एक झटके में कमा लेती। अरे 300 नहीं, 3 करोड़। क्या? 3 करोड़? मैं नहीं बता सकता, बहुत बड़ा सीक्रेट है। इतना बड़ा सीक्रेट है? हाँ, आई लव यू Dilkus बेबी। साला बेबी बेबी तो ऐसे कर रहा जैसे बेबी की कोई वैल्यू ना हो। बता, 3 करोड़ तेरे पास कहाँ से आया? तू समझने की कोशिश करनी, मैं तेरे को नहीं बता सकता। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। नहीं 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 नहीं, 1 मिनट। बता, पैसा कहाँ से आया? मैंने 2 महीने से प्लान बनाया था। क्या, अपनी माँ को बेचने का? मैं रॉबरी किया। क्या, तूने रॉबरी किया? नहीं नहीं नहीं, नहीं करवाया मिट्टा ज्वेलर्स में। मुझे एडी समझाएगा को मत बताना। मिट्टा ज्वेलर है ना, पहले उधर मेरा फादर काम करता था, अभी मैं उधर काम करता हूँ। और उसका जो ओनर है नी, विकास मेहता, बहुत साला कंजूस आदमी है। मैं उस पर पूरा 2 मंथ्स नजर रखा, उसको फॉलो किया, और जैसे ही मुझको चांस मिला मैं उड़ा कर भाग गया। पूरा 3 करोड़ का ब्रीफकेस। केस में 3 करोड़? नहीं नहीं, हीरा। हमें पुलिस को बताना चाहिए। क्या बात कर रही है? चल चम्स, मिलते हैं ना रे। बिल्कुल बिल्कुल, तुम बताओ ना कब मिलेगा,
मैं उड़ के आ जाऊंगा। इसका ट्रैक ही बदल गया। ए, दिलकुश, तू मेरे मोबाइल पे फोन करनी ही। तेरा नंबर कहाँ है मेरे पास? कितना बार दिया मैंने तेरे को नंबर? अभी दो न जम्स। What is मोबाइल नंबर? करू क्या डायल नंबर? लिख लिख। एक मिनट। हाँ जम्स। क्या? बोलो। गड़बड़ है। क्या लव स्टोरी है बिड़ू, एकदम झकास मरिया। 3 करोड़ की लव स्टोरी, वाह। हेलो हेलो, हमने अभी फोन पर किसी को बात करते हुए सुना है। कौन चाहिए बाबा? देखिए, हमारे फोन पर क्रॉस कनेक्शन लगा था। अरे ये पुलिस स्टेशन है, EMTNL फोन करा। चमाइला। हेलो हेलो, क्या हुआ? कहते हैं MTNL फोन लगाओ। ठीक ही तो कह रहे। हेलो। देखिए, मैंने क्रिमिनल को फोन पर बात करते हुए सुना है। फोन टैप करना अच्छी बात नहीं है बाबा। मैंने फोन टैप नहीं किया, क्रॉस कनेक्शन हुआ था। अरे ये पुलिस स्टेशन है। हाँ तो वही फोन कर रही हूँ। एक आदमी है जिसका नाम जमशेद है। तुम उसे जानती हो? मैंने उसकी आवाज सुनी है, वो बोल रहा था। अरे कोई पन बोलेगा तो आवाज सुनाई देगी ना। लेकिन वो कह रहा था। तुमसे कह रहा था? किसी औरत से कह रहा था। औरत? तुम औरत हो ना? ओफो, मेरी पूरी बात सुनेंगे आप? अरे बरोबर है, लेकिन कौन सा नंबर चाहिए तुमको? पुलिस स्टेशन का। बरोबर है, लेकिन इधर कोई नहीं है। आप हो ना? अरे मैं फोन पर हूँ। देखिए, मैं क्राइम रिपोर्ट करना चाहती हूँ। अरे कौन सा अखबार से? ओ गॉड। तेरा नाक कट डलेगा मैं एक दिन ना। एक कटिंग चाहिए कल्टी। ए साबू, साबू जाना कैसेट। वो जमशेद अपने छमिया से कुछ बात कर रहा था, कोई विकास मेहता के बारे में। ए शान के अब्दुल्ला, सबका खबर रखने की जरूरत नहीं है। बिरयानी भाई, मेरे को खाली पैसे से मतलब है। पैसा लाया क्या? पैसा मिलेगा जब तक तू जमशेद का फोन टैप करेगा। ज्यादा शाना नहीं बनने का। आज मुलगा मुलगी दोगे भी शिक। बेबी। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी खड़े खड़े क्या देख रही है? बैग पकड़ना यार, बहुत भारी है। हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं तो अब यहीं रहूंगी तेरे पास। इज़न्ट दैट अ ग्रेट आइडिया? अब सुन, बहुत जरूरी बात है, भाड़ा दे दूंगी, इतना टेंशन मत ले। ये देख, फाउंटेन सिग्नल पर जौहरी को लूटा। ओ वो जहांगीर जो कल वो जहांगीर जमशेद। हाँ। जमशेद सच बोल रहा था। इसका मतलब उसके पास सच में 3 करोड़ है। ए माया, ए मान, गिव मी सम नींबू पानी यार, सॉलिड हैंगओवर है। ए बेबी जी, आ जानी जी, व्हाट्स अप? ए सूटकेस, आई ला, तेरे को एक रात में निकाल दिया इसने। ए देख मारिया, मैं इसको मारेगी। हां, हमेशा पीछे पड़ता रहता है ये मेरे। जॉनी, ये यहां रहने के लिए आई है बाबा। क्या बात करता है, परमानेंट? ए मैडम, तुम काम क्या करता है? फिल्मों में नाचती है। हाँ? अभी मेरे पास ऑटोग्राफ का टाइम नहीं है, बाद में मेरे को हाथ मुंह धोने का है। मेरे लिए एक चाय बना दे मेरी जान, अभी आई। ए मारिया, ये नाचती है कि नचाती है? साफ सुनाई दे रहा है मुझे। छोड़ ना जॉनी। घर तो ये लग रहा है।
कौन है आप? क्या चाहिए आपको? आप बोलते क्यों नहीं? आप यहां कैसे हैं? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। कौन है तुम? बॉल। हाँ? बॉल। तुम बॉल मांगने को आए इधर? तेरी तो रिलैक्स। बॉल देता ना? नहीं तो देखिए मेरी गन वापस दे दीजिए। बंदूक मरिया यहाँ क्यों है? मैं बताता हूँ आपको, मेरी गन वापस दे दीजिए प्लीज। अबे कौन है भाई तू? मैं मरिया से बात कर रही हूँ ना। मैं समझाता हूँ आपको, आप गन वापस दीजिए। देखिए कौन है तू? कौन है तू? प्लीज मुझे मत मारना। मैं अबे क्या बकरी की तरह मैं कर रहा है? अब बोल। ए बेबी गन नीचे कर, चल जाएगी तो। ए बेबी इजी इजी। नहीं मैं तो बस डराने आया था। डराने आया था? किसने भेजा? बिल्डर ने। ओए कौन से बिल्डर ने? मैं जानती हूँ, ये लगी के दोस्त होंगे। नहीं मुझे तो बस पैसे दिए थे डराने के लिए और घर खाली कराने के लिए। प्लीज घर खाली? मैंने तो कल ही गैंग ज्वाइन किया है। अभी जल्दी बोल, हाथ दुख रहा है। मैंने आज तक किसी को नहीं मारा, एक गोली भी नहीं चलाई कसम से। दीदी दीदी नहीं, आपा बहन जी आंटी अम्मा। गन मेरे को दो। इज्जत से मांग। ओके गन मेरे को दो प्लीज। हिलना नहीं। ए गोली किधर है? धत्ते क्या भूल गया? भाग गया से। करो गन लेके जा। हाँ थैंक यू। बच गए यार। क्या अंकल जी के चमचे, काम हुआ क्या? सब नमूने ही मिलते हैं क्या यार? ए एक हफ्ते के अंदर क्या? बचा ले एक हफ्ते के अंदर। व्हाट मैन तुम इधर से? अब मैं मारूंगा। क्या गेमा? क्या बोलते हैं इन लोग? सर जी इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सालों को समझ में नहीं आ रहा है। और ये ना ये ऊंट का बच्चा, ये तो मेरी बंदूक मेरे को दिखा के डरा रहा था। लो आपका शुभ नाम? बेबी। बेबी काफी बड़ी हो गई हो। अरे यार हर बार क्यों बोलना पड़ता है? बेबी के नाम का मजाक नहीं उड़ाने का, और खाली बंदूक से तो बिल्कुल भी नहीं है। बेबी बाबा मुझे तो मम्मी से बात करनी है। अबे देख देख उसे नहीं, मुझसे आके बात कर। मुझे गुस्सा मत दिला। हाँ जॉनी कुछ बोलना यार। तेरा नाम मारिया है? औरत को क्या डरा था तुम? तो सुन लौंडिया। अबे छोटा यार। और बीच में कोई नहीं बोलेगा। अगर मेरी बात तूने नहीं मानी तो नंगा करके बाजार में तुझे नचाऊंगा। या तो मैं वो बंगला लकी के नाम कर दूं, या बंगले का पैसा उसे दे दूं। तुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। ए मैन क्या बात करता है, वो पुलिस लकी बिल्डर सब लोग एक है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब तेरे पीछे क्यों पड़े? ये लकी है ना एक नंबर का आवारा और शराबी, अपने प्लॉट के नाम पे बिल्डर से बहुत पैसा लेके उड़ा है। अब एक साल से बिल्डर लकी के पीछे और लकी मारिया के पीछे, फाइनली आज अपने घर तक आ गया। अगर तू पुलिस के पास जाती है तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है। मगर क्यों, कम से कम FIR तो फाइल कर सकती है। इसका पति पुलिस में ही था? पुलिस में था नहीं, है हस्बैंड था। देख तू पागल है। वो तो हूँ, अकल की बात जो कर रही हूँ। अब तू सोच, वो जमशेद जो भी हो उसका फोन नंबर अपने पास है। हा? उसकी बातों से साफ पता चलता है कि बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी। हम उसको फोन करते हैं और बोलते हैं हमें मालूम है तूने रॉबरी करवाई थी, और हम पुलिस को जाके बता देंगे अगर तू हमें आधा पैसा नहीं देगा। बस बस जैसे दरवाजे में आके पैसा दे देगा तेरे को। अरे तो ट्राई करने में क्या हर्ज है यार। देख मारिया हम दोनों 30 साल के आसपास हैं, तू सोच यार। तू पति को छोड़ चुकी है और तेरे पास है क्या? एक बेकरी जो चलती नहीं है, एक बंगला जो तेरा है नहीं, भाड़ा भी तुझे मिलता नहीं। तू केयर टेकर की तरह सबकी माँ बन के बैठी है यार।
चल मेरी तरफ देखे। दिल्ली से आई हूँ स्टाइल में, अकेली रहती हूँ। इस मुश्किल फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए कब से स्ट्रगल कर रही हूँ, और ये आइटम नंबर्स और म्यूजिक वीडियोस कब तक मिलते रहेंगे? इतने दोस्त, इतने बॉयफ्रेंड्स मिले, एक पर भी पूरा विश्वास नहीं कर सके। लकी जैसे लिचड़ लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दे यार। उसने बिल्डर से 20 लाख उधार लिए है ना? नो प्रॉब्लम, हम जमशेद से 1.5 करोड़ मांगते हैं। 20 बिल्डर के मुंह पे मार देंगे और बाकी बचा 1 करोड़ 30 लाख तो हम है ना यार, आपस में बांट लेंगे। हमें अपने लिए एक अच्छी जिंदगी बनानी चाहिए, बात मान ले मेरी। एक बार पैसा आ जाएगा तो यही लोग सलाम करेंगे, वो भी झुक के। और ये भी तो हो सकता है कि उसके बाद हमें 2 क्यूट गुलाम भी मिल जाएं। पर सीरियसली यार, वो विकास मेहता, वो जौहरी, 3 करोड़ तो उसके लिए चिल्लर के बराबर है। और वो बकरा जमशेद, उसको तो दिलखुश डेफिनेटली चेप देगी। बल्कि जमशेद को दिलखुश जैसी चालू आइटम से दूर रहने की अच्छी सलाह देंगे हम लोग। जो हमारा हिस्सा वो हम रख लेंगे, वो हमारी फीस, उसके बाद उसको फुटने को कहेंगे। हाँ देख जान, मैं ये तो नहीं कह रही कि पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, मगर जिंदगी को कैश तो किया जा सकता है। फिर क्या, हमारी ऐश, दुनिया गई भाड़ में, हम बजाएंगे हारमोनियम।